जी हाँ, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम का एशिया कप के लिए सेलेक्टर्स ने ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने हाल ही में भारत का स्क्वाड घोषित किया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है और उपकप्तान केएल राहुल को बनाया गया है। जी हाँ, केएल राहुल की वापसी हुई है, तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ये टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है कि बुमराह और हर्षल एकदम से स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। इन दो खिलाड़ियों के ऊपर तो पूरी तरह से टीम इंडिया डिपेंड रहने वाली है। अपने दम पर इन्होंने भारत को कई मैच जिताए हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया के लिए अब कहीं न कहीं एक ऐसा फैसला लिया है जो आपको भी हैरानी में डाल देगा, और आपको ये फैसला डराने वाला भी लगेगा, क्योंकि रोहित ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस फैसले को लेकर। और वहां के कुछ हम आपको आंकड़े बताएंगे जो आपको हैरानी में डालेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कैसे रोहित का ये फैसला बढ़ा सकता है टीम इंडिया की मुश्किलें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, 27 अगस्त से एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है और 28 अगस्त को भारत का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। भारतीय टीम और बाकी अन्य 5 टीम, कुल मिलाकर 6 टीमें इस एशिया कप में हिस्सा लेने वाली हैं। इन टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और एक क्वालिफायर टीम शामिल होंगी, लेकिन बी ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। इन 6 टीमों के बीच में कहीं न कहीं 9 से 10 मुकाबले खेले जाएंगे, सुपर 4 के मुकाबले खेले जाएंगे और एंड ऑफ द एंड 11 सितंबर को फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान का 2 बार आमना सामना तो होगा ही, लेकिन फाइनल में अगर ये दोनों टीमें पहुंचती है तो फिर 3 बार भी सामना होने को है। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा ने अपने स्क्वाड ऐलान करते वक्त एक ऐसा फैसला ले लिया जो भारतीय फैंस के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को चोटिल होने की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और बीसीसीआई ने कहा वो अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में चयन होने के लिए। लेकिन इस वजह से रोहित ने एक ऐसा रिस्क फैक्टर पर काम किया है जो आपको हैरानी में डालेगा। वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप आंकड़े भी पूरे देखिएगा, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकें। हम आपको बता दें कि एशिया कप 2022 के लिए भारतीय सेलेक्टर्स ने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। और वैसे देखा जाए तो ये तीनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 के हकदार भी है। अगर देखा जाए तो अपने स्क्वाड के अंदर भारतीय टीम ने केवल इन 3 तेज गेंदबाजों को ही चुना है और तीनों के तीनों प्लेइंग 11 में शामिल है। अगर एक भी चोटिल होता है तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि स्टैंड बॉय में भी भारत ने कोई फास्ट गेंदबाज को शामिल नहीं किया है। लेकिन वहीं अगर स्पिनर्स गेंदबाज को देखा जाए तो रविंद्र जडेजा स्पिनर्स हैं, युजवेंद्र चहल स्पिनर्स हैं, रवि बिश्नोई जो हैं वो स्पिनर्स में आते हैं और रविंद्र चंद्र अश्विन, 4-4 स्पिनरों को शामिल कर लिया गया है और फास्ट गेंदबाज केवल 3 हैं। अब ये चिंता का वैसे इसीलिए है क्योंकि आवेश खान खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं और बदल चुका है दुबई का ट्रेंड। जी हाँ, दुबई की पिचे हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बदल चुका है। अब वहां पर तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। भारतीय टीम में स्पिनर्स की भरमार है। टीम इंडिया में रविंद्र चंद्र अश्विन, जडेजा, रवि बिश्नोई और यूजी चहल है, तो इन वजह से टीम इंडिया के लिए ये मुश्किल बढ़ सकती है कि 3 गेंदबाजों का चयन करना, 4 स्पिनर्स का चयन करना, ये अपने आप में एक अनूठा फैसला है। क्या इसी के लिए कप्तान रोहित शर्मा कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, या फिर ये रोहित का फैसला गलत है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही थी कि कम से कम 3 से ज्यादा फास्ट गेंदबाजों को शामिल करना चाहिए था। मोहम्मद शमी या फिर उमरान मलिक, इनमें से किसी एक को स्टैंड बॉय में शामिल किया जा सकता था। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये तो थी हमारी राय।